एक मांग थी कि भाई जितेंद्र के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके लिए राजस्थान में एक प्रक्रिया है कि जो पूरा मामला है वो कैश ऑफिसर स्कीम के थ्रू चल रहा है। ये भी मांग जो है आपकी मान ली गई है। रोज की रोज गवाहियां होंगी, रोज की रोज जो है सुनवाइयां होंगी। और उम्मीद है कितने दिन में, कितने दिन में, कितने दिन में, 3 महीने के अंदर ये कह रहे हैं। हम और जोर लगाएंगे कि 3 महीने से पहले उनको सजा सुनिश्चित हो और हमारा प्रयास रहेगा कि उनको फांसी हो। करते हैं तो दोबारा तैयार है। बासवा गांव में सर जी एक अस्थाई पुलिस चौकी लगाई जाए, थोड़ा इधर को चेहरा करना, जिससे बारवा में जिससे गांव भयमुक्त वातावरण बना रहे। यस, और वो चौकी की व्यवस्था हो गई है, गांव में चौकी खुल गई है। एक मांग ये थी, इस घटना में उन दो लोगों से अलग और भी लोग जो है ना शामिल है, क्योंकि वो दो लोग को हत्या किए नाम भी बता दो के और अभी नहीं। ऐसा मत करो ना, हमारी बात सुनो। 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं हमें नहीं पता, लेकिन जो लोग भी उसका सहयोग किए हैं उनको रिमांड पे लेके, पुलिस ने ये बात मानी है कि उनको रिमांड पे लेके उन सब लोगों की जानकारी इकट्ठा की जाए, क्योंकि वो जितेंद्र 2-4 के कब्जे में आने वाला नहीं था। yes! जिसको धोखा हुआ, दूसरा कई लोगों ने षड्यंत्र करके घेरा, रास्ता रोका और पीछे से ही वार करते हैं। लेकिन तुम भी कुछ अकल लो, तुम्हें 20-20 मिनट कह के बिठा जा रहा, बैठ तो रहे नहीं, बातें करते हो बड़ी बड़ी, पता लग रहा है तुम्हारी भीड़ में कोई विरोधी खड़ा हुआ है और मार जाए, किसी को नुकसान पहुंचा जाए, फिर क्या करोगे? कहने के बाद सुनते तो होनी। ये गर्मी दिखाने का मौका तुम्हें दूंगा, चिंता मत करो, अभी समय आ रहा है। ये गर्मी उस जगह दिखाना जहां से तुम्हारे हाथ में कलम की ताकत आएगी, और जब कलम की ताकत आएगी ना, फिर चौकी भी बनाना, थाने भी बनाना, सब कुछ करना, फिर लाइसेंस के लिए किसी के आगे मुझे भी ना बुलवाना, ना कुछ जाना, समझ रहे हो? yes, अब yes! दो इम्पोर्टेंट मांगे जिन पे बात होनी है। पहली मांग ये है कि जितेंद्र भाई के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। yes, 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 yes! चलो बहुत अच्छी बात है, सर, पूरे वो तो नहीं, वो तो परिवार को मिलनी चाहिए, अगर उससे कुछ नॉर्म्स है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलेगी, जितेंद्र की मूर्ति बननी चाहिए, किसानों का तुम लोगों में दर्द जन्मा नहीं जन्मा है, लेकिन दर्द जो है ना कुछ देर का है। एक मांग जो है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसपे भी चर्चा हो रही है, वीडियो भी चल रही है, और उधर हो जाओ बीच में नहीं, किनोर यहाँ के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दी। और देखो, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, मेरी एक अपील आपसे, हम उन परिवार की मदद करना चाहते हैं, क्या आप कुछ समय प्रशासन को उस नौकरी की मदद को पूरा करने के लिए दे देंगे? देंगे? एक मेरी जिम्मेदारी, जो समय बाउंड हम करेंगे उस पर नहीं मिलेगी, तो मैं सारा काम छोड़ के आके यही जोधपुर में धरने बैठूंगा, मेरी जबान है आप लोग। मेरे साथ आप लोग भी आओगे, गर्मी में बैठेंगे धूप में आओगे, धूप बैठेंगे बैठेंगे धूपे पैसे आओगे। अच्छा, बस यही जानना था। पन्ना भाई साथ बैठेंगे, सतपाल भाई साथ बैठेंगे। ये नीम के पेड़ पे खड़े हुए लोगों सुनो, हमारी बात सुनो भाई। एक मांग और है, परिवार के जो ज्ञापन दिया, उसमें सबके
20 लाख रुपए, और हमारी मांग है 50 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को मिलना चाहिए। कितने लोग सहमत है, हाथ उठाओ, तुम उठाओ दोनों हाथ पे। ठीक है, अच्छा बात सुनो मजाक से हटो, ये दो मांगे हैं प्रशासन ने, अब मैंने सका समय बता दो, तो कह रहे हैं जी हमने भेज दिए, भेज तो दिए, वाकई में सच है, समय नहीं बता रहे हैं, आप बताओ कितना समय सुनिश्चित किया जाए। हाथ उठा के समर्थन करना है, अगर 2 दिन का दे दिया जाए, अगर 3 दिन का दे दिया जाए, होली साहब तुमने हमें भी तो कुछ विशेष अधिकार दिए नहीं दिए, बताओ तारीख क्या है आज? 22 मई। ये चुपचाप बैठ जाओ, देंगे बहुत, और फिर देख लेना तुम। ये पहले घड़ी मैंने कहा था बहनों दूर रहे, तुम्हें मानते हो, पीछे हो जाओ, ये पत्रकार साथी भैया भी पीछे हो जाए, पीछे हो जाओ, खोलो तो पीछे हो जाओ, बहनों माओ से दूर हो सको, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मान जाओ, मदद करो, तुमको आगे लोग तुम्हारे पीछे मान खोल दे, ये तो हमारी इज्जत है, मान सम्मान क्यों नहीं करते, भाई तुमसे कुछ मांगे, ये सुन रहे हो हमारी बात, हमारे भाई नेता लोगों, जिम्मेदार लोगों, आज 22 तारीख है, 25 तक इनकी, 26 हमारी, जिंदाबाद दोनों टाइगर, जिंदाबाद दोनों टाइगर, जिंदाबाद। टिकट के पैसे तुमसे ले लूंगा, टिकट करा ले रहा हूँ अभी, 26 तारीख को अगर दोनों मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 तारीख को शाम के से यहाँ धरना लगेगा, और धरना यहाँ से मार्च लेके जयपुर जाएगा मुख्यमंत्री आवास पे, और धरना पैदल जाएगा, गाड़ी से भी जाएंगे पैदल जाएंगे, चलोगे? 26 तारीख को शाम को कौन कौन आएगा उठा, अनिल कहाँ है? 26।